नमस्ते, मैं आपका डॉक्टर मलिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, व्याधि निरोधक शक्ति, दैट इज इम्यूनिटी। व्याधि निरोधक शक्ति, ये थोड़ा ये वर्षों का मौसम है, बहुत पानी गिर रहा है, तो हर एक फैमिली में 3-4 लोग बुखार से पड़े हुए हैं। सो आपका इम्यूनिटी कैसा बढ़ाना है, आपका व्याधि निरोधक शक्ति कैसा बढ़ाना है। एक तीन साल के पहले जब मैं शुरू कर रहा था, तो मैं ये कोविड का टाइम पे बहुत काम कर रहा था, पूरा हॉस्पिटल में पेशेंट्स थे। मैं 80 वजन का था, 96 तक वजन बढ़ गई, मेरा वजन 96 तक बढ़ गई, और मेरा शुगर, मैं 10 साल से डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, 10 साल से शक्कर की मैं पेशेंट हूँ। तो 10 साल से मैं गोलियां ले रहा हूँ, और बीपी भी था, उसके लिए भी गोलियां ले रहा था, मगर ये 3-4 महीने तक ये कोविड का टाइम पे मैं खुद के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं करा, तो मेरा वजन हो गई 96 kg, और मेरा बीपी हो गई 170/100। दिन में चार गोलियां ले रहा था बीपी के लिए, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, और मेरा शुगर चले गई फास्टिंग 240 और पोस्ट लंच 390 तक चले गई, तो इंसुलिन लेना ही पड़ा। इसके पहले टैबलेट्स लेता था, तो जब सोच, और मैं हाइपोथायराइड भी हो गया हूँ, हाइपोथायराइडिज्म में मुझे आ गई, जब सोचने लगा हूँ क्या करना है, तो वेरियस सब्जेक्ट वगैरह देख के मैं चेंज करना चाहता था। जब से मैं खाने में तब्दीली ला लिया हूँ, और एक्सरसाइज भी 80% खाने पे के ऊपर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था, और 20% एक्सरसाइज के ऊपर मैं इंटरेस्ट लेता। क्या कर चुका हूँ मैं, सिर्फ तीन चार महीने में मेरा 96 kg का वजन जो है 80 हो गई, और मेरा डायबिटीज जो है, मेरा शुगर जो है पूरा चली गई, बिल्कुल लो शुगर, और थायराइड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और बीपी जो है सिर्फ एक टैबलेट लेने का जरूरत पड़ी, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल, चार महीने में हो गई। मैं क्या कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ वो। उसके बाद में ये तीन साल से मुझे बुखार नहीं है, मुझे कुछ कहीं सर दर्द भी नहीं हो रहा है, सर्दी जुकाम नहीं है, बॉडी पेन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 साल से ये सब बात कुछ भी नहीं है। अब गोलियां, पैरासिटामॉल गोली भी नहीं ले रहा हूँ, काम जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना है? अब पहला आपका वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला वेट देख लीजिए, आपका वेट होना है कितना होना है आपका। अगर आप मर्द है तो आपका ये हाइट जो है सेंटीमीटर्स में, हाइट पहला कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स में आपका हाइट कितना है, उसमें -100 करें तो आपका वेट आ जाती है। अगर आपका हाइट सेंटीमीटर्स में लिया, उससे -100 कर दिया, वो आपका वजन है। और अगर आप औरत हो तो आपका हाइट सेंटीमीटर्स में लेके -105 करना है, आपका वेट आ जाएगी। तो वेट मेंटेन कीजिए, वेट इन केजीस मेंटेन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर टू आपका डायबिटीज। सो शुगर का स्टेटस क्या है, आप डायबिटिक हो ना या ना हो, आप जब ये 5 ले रहे हैं, आप ये राइस किसी तरह का ले रहे हैं आप, और गेहूं ले रहा है, वीट ले रहा है आप, शुगर ले रहे हैं आप, और गुड़ ले रहे हैं जो आपको शुगर केन से बनने वाली गुड़ ले रहा है, और आप मैदा ले रहा है, समोसे ले रहा है, और ये पैकेज में जो चिप्स वगैरह वगैरह जो पैकेजेस में आते हैं वो ले रहे हैं, तो कंपलसरी आपके बॉडी में अगर डायबिटीज नहीं है तो नेक्स्ट आने वाली है। इसके पहले आपको हाइपर इंसुलिनिज्म बोल के एक आ जाएगी, हाइपर इंसुलिनिज्म। आप इतना हाई कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, इजीली एसिमिलेबल बोले तो अंदर जाके इमीडिएट ग्लूकोज बनने वाली
कार्बोहाइड्रेट आप इतना ले दे रहे हैं, चावल के चावल, गेहूं, शुगर सब ले रहे हैं आप, 100% आपको हाइपर इंसुलिनिज्म होगा। आपका पैंक्रियास बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और थोड़ा नेचुरली आपको हाइपर इंसुलिनिज्म होगा। बोले तो आपका बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा, आपका बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गई, वो भी चेक करा सकते हैं आप। फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोल के चेक करा सकते हैं। ये डायबिटीज़ और हाइपर इंसुलिन वो सिस्टर्स के जैसा है, एक आए तो एक आ जाएगी, ट्विंस के जैसा है। अगर हाइपर इंसुलिनिज्म है, डायबिटीज है, तो आपको फैट में लिवर में फैट भी होगी। अगर आप एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करें उसमें फैट भी आ जाएगी, लिवर फैट भी। तो ये तीन, डायबिटीज, हाइपर इंसुलिनिज्म, फैट इन लिवर, बीपी और आपका सीरम लाइपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल, वो सब सीरम लाइपिड्स बोलते हैं ना, आपका ब्लड में कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, वो सब एक ही तरह से आपका थायराइड भी काम करती है। ये पांच चीजें, डायबिटीज, हाइपर इंसुलिनिज्म, फैट इन लिवर, लिवर में फैट, बीपी, सीरम लाइपिड्स, थायराइड, वो कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, आपका थायराइड कम काम करना, ये सब एक एंटिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो आप ये और एक टेस्ट कर सकते हैं, आपका एब्डोमेन का ये पूरा बोलते हैं ना राउंड, एक टेप लगा लीजिए, आपका यहाँ पे एक टेप लगाइए और नीचे हिप के पास एक टेप लगाइए, वेट आपका वेस्ट का ये राउंड सर्कमफेरेंस का कितना है, कितना सर्कमफेरेंस है, वेट का वेस्ट का कितना है और कितना, और वेस्ट के नीचे हिप का, वेस्ट बाय हिप ये सर्कमफेरेंस शुड नॉट बी 0.9 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए मेल्स में, वेस्ट बाय हिप सर्कमफेरेंस, वेस्ट बाय हिप सर्कमफेरेंस, वेस्ट बोले तो आपका नाभि देता है, अगर हिप बोले तो आपका बटक्स के, एक टेप लगा के देखिए, वेस्ट और बाय वेस्ट, बाय वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफेरेंस 0.9 से मर्दों में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 0.8 से ज़्यादा फीमेल्स में नहीं रहना चाहिए, अगर है तो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि आपका पेट जो है ना वो आपका सब प्रॉब्लम्स का शुरू वही है। सो ये आपको आ गई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आप में आ गई। सो बी वेरी वेरी कॉशियस। जब से क्या करना है, एक्सरसाइज 20% आप एक्सरसाइज पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, कम से कम 20% एक्सरसाइज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट। ये सब मैं कर चुका हूँ, तीन साल मैं इतना काम कर चुका हूँ, बाकी अब 3 साल हो गई, 3-4 महीने इतना काम कर चुका हूँ, खाना बिल्कुल मैं चेंज कर चुका हूँ। ये पांच जो है ना, ये वाइट राइस, ये गेहूँ, ये शुगर, ये मैदा और ये जो कि पैकेज्ड फूड्स जो है वो सब, और बाहर का खाना समोसे वगैरह वगैरह पैकेज्ड फूड्स सब छोड़ दिया हूँ। और आखिरी बात ये है, ये गुड़ भी जो आपका शुगर केन से आती वो भी बंद कर चुका हूँ, उसके प्लेस में मैं ये मिलेट्स बोले तो आपको मालूम कदन ने वो कुटकी, छोटे कुटकी, वो सब होते हैं ना पांच तरह का जो कादर वाली साहब बोलते हैं, ये लेना शुरू कर दिया हूँ राइस के बदले। और पूरा डाइट चेंज कर चुका हूँ, ये पांच चीज़ें बंद कर दिया, माता राइस बंद कर दिया, वीट जो गेहूँ बंद कर दिया, राइस बंद कर दिया, मैदा बंद कर दिया, और ये समोसे वगैरह वगैरह बंद कर दिया, शुगर बिल्कुल नहीं, और गेहूँ जो, और ये गुड़ जो आपको शुगर केन से आती वो भी बंद कर दिया था। तो ये पांच बंद करने के बाद मैं जब ये छोटी कुटकी, छोटे कुटकी, कदम ने आपका मिलेट्स खाना शुरू करा, ये सब कम हो गया। मैं शुगर से 3 महीने में बाहर आ चुका हूँ, और वेट 16 वजन बढ़ गया था, मैं 96th वेट था, 80 आ गया हूँ, अब 76 तक आ चुका हूँ, और मेरा शुगर बिल्कुल बंद, कुछ अब कुछ गोलियाँ नहीं है, मेरा बीपी 4 गोलियाँ इस्तेमाल कर रहा था, मैं अब सिर्फ 1 गोली इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा थायराइड भी नॉर्मल हो गई थी, इसलिए एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ मैं, ये जो मैं कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, आप सब
सब बता चुके हैं, मैं भी बता रहा हूं। तो ये आप क्या करना है, तो एक्सरसाइज 20% पर डे, बोले तो कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट्स तक आप एक्सरसाइज कीजिए। एक दिन वॉकिंग या साइकिलिंग, घर पे साइकिलिंग कर ले सकते हैं, नहीं तो बाहर वॉकिंग कर सकते हैं। और एक दिन ये बैठक और सिटअप्स और दंड बैठक कर सकते हैं 45 मिनट्स तक, ऐसा कीजिए। और नेक्स्ट डाइट 80% आपका डाइट मेन इंपॉर्टेंट, 80% कॉन्सेंट्रेशन के लिए थोड़ा फर्मेंटेड फूड्स भी आप लेना है, लाइक डेली एक फ्रूट लेना है, फर्मेंटेड फूड्स कंपल्सरी है, क्योंकि अपना बैक्टीरिया जो है मुंह से लेके आपका एनस तक, तो पेट में जो आपका आंत में जो बैक्टीरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं। वो बैक्टीरिया, अगर अच्छे बैक्टीरिया अंदर है, थाउजेंड्स ऑफ कॉलोनीज रहते हैं, बहुत सारा बैक्टीरिया है, अगर उसको अच्छे खाना दिए आप, बहुत अच्छी बैक्टीरिया होते हैं, आपका पूरा हेल्थ वो बैक्टीरिया से रिफ्लेक्ट होती है। बैक्टीरिया अच्छा है तो आपका हेल्थ अच्छा है, इसीलिए। तो डाइट में नॉनवेज कुछ भी खा सकते हैं, नॉनवेज आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ वाइट राइस वगैरह छोड़ दीजिए, बस का नॉनवेज करीज कुछ भी ले सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स कितना हो सके उतना बंद, एंटीबायोटिक्स बिल्कुल बंद, पेन किलर्स बिल्कुल बंद, कितना हो सके उतना, कितना से कभी जरूरत पड़े एक डोलो 650 लीजिए, नहीं तो दर्द बहुत ज़्यादा है अल्ट्रासेट टैबलेट एक लीजिए, अल्ट्रासेट टैबलेट लीजिए, मगर एंटीबायोटिक्स को आप छूना नहीं, बहुत बहुत केयरफुल रहना है, कंपलसरी है तो लेना है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपका बैक्टीरिया को पूरा मार देंगे और दूसरे बैक्टीरिया आ जाते हैं, उतना अच्छा नहीं है। तो आपका फूड में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स आप जब एक्सरसाइज करते हैं ना सुबह, रात में थोड़ा पानी में डाल लेके थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, एक 10-15 ड्राई फ्रूट्स इन द मॉर्निंग आप एक्सरसाइज करते वक्त लीजिए। नट्स और ऑयल्स आप विलेज का ऑयल्स लेना है, आप बाहर शॉपों में मत लीजिए, शॉप में ऑयल्स नहीं लेना है, क्योंकि वो सब मिनरल ऑयल्स है। मिनरल ऑयल्स में आप ऑयल्स जो है ना, आपका विलेज का ऑयल्स जो बनाते हैं ना, जो बनाते हैं गाय के साथ बनाते हैं ना, वो ऑयल्स लीजिए। आप कौन सा तो भी ऑयल्स ले सकते हैं, तिल ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, बहुत अच्छी है कोकोनट ऑयल, तिल ऑयल, ये सब ले सकते हैं, जो आपका विलेज में बना है वो ऑयल्स अच्छा है। और फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत अच्छा है, आप फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सलाड्स बोलते हैं ना, सलाड्स ट्राई कीजिए। और फ्रूट्स कंपलसरी, डेली एक फ्रूट लेना चाहिए, लेमन कंपलसरी है, लेमन कम से कम सुबह एक बार, शाम को एक बार, 2 लेमन पर डे कंपलसरी है। और अगर इतना अच्छा फ्रेश आप जब कदने खा रहे हैं, दैट इज मिलेट्स खा रहे हैं, तो फाइबर 9-12% है, आप जो भी सलाड्स खा रहे हैं 9-12% फाइबर है उसमें, सो इससे क्या होता, आपका आंत, छोटे आंत हो बड़ा आंत हो, बहुत क्लीन होती है, कॉन्स्टिपेशन का चांस ही नहीं होती है। और इतना अच्छा फाइबर लेने से आपका बड़ा आंत में, नीचे का बड़ा आंत में जो बैक्टीरिया है वो फाइबर खा के जीते हैं, तो आपका कैंसर्स वगैरह आने का चांस नहीं होती है। ये बड़े आंत में आपको लार्ज इंटेस्टिन बोलते हैं ना, उसमें कैंसर्स के गड्ढे आने का चांस नहीं होते हैं। और एक दिन है विटामिन सप्लीमेंट्स, नॉन वेजिटेरियंस के लिए उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है विटामिन सप्लीमेंट्स, अगर आप वेजिटेरियन हो तो बी कॉम्प्लेक्स डेली एक ले लेना अच्छा है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में थोड़ा विटामिन कम होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा कम होते हैं, डेली एक टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, बिप्लेक्स फोर्ट बोल के रहती है, जिंकोविट बोल के होती है, जेविट बोल के होती है, डेली एक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और ये डी थ्री विटामिन बायो डी थ्री बोल के आती है, डी विटामिन, अगर आप सन को एक्सपोज नहीं हो रहा है, आप सन को एक्सपोज होते हैं 15 मिनट से 20 दिन तक, अगर आपका चमड़ा के ऊपर सन रेस गिरते हैं तो आप कुछ विटामिन डी थ्री लेने का जरूरत नहीं है, मगर आपको सन एक्सपोजर नहीं है तो बायो डी थ्री पॉइंट टू फाइव कैप्सूल हफ्ते में एक बार ले लीजिए, चाहे 3-4 महीने ले लीजिए बस। और कैल्शियम कौन लेना है, पर्टिकुलरली मेनोपॉज
हो गए जो औरत होते हैं, उसको बोन्स वीक होते हैं, कैल्शियम बाहर चले जाते हैं, उन लोगों को डेली एक कैल्शियम टैबलेट कंपलसरी लेना है, डेली एक कैल्शियम टैबलेट कंपलसरी लेना है, ये सब मस्ट है। तो आपका इम्यूनिटी अगर ये सब करें तो आपका इम्यूनिटी इतना गट होती है, आपका फ्रीक्वेंटली बुखार आना ये सब बंद हो जाती है। मुझे एग्जांपल ले लीजिए, मेरा उम्र अब 60 हो गई है, मैं 62 मेरा उम्र है, तो अभी तक बुखार वगैरह कुछ नहीं आती है, शुगर वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीपी के लिए गोली इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा केयर लीजिए, थोड़ा केयर।